इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था करीब 1650 में, और इसका उद्घाटन उज़्बेकिस्तान के इमाम ने किया था जिनका नाम शाह बुखारी था। क्या आपको पता है 1948 में हैदराबाद के निज़ाम से करीब 75,000 रुपये मांगे गए थे ताकि इस जामा मस्जिद की मरम्मत की जा सके, और हैदराबाद के निज़ाम ने करीब 3,00,000 रुपये आवंटित किए ताकि इस मस्जिद के एक एक कोने की मरम्मत हो सके। सफ़ेद संगमरमर, पुष्प की सजावट और मेहराब इस मस्जिद की खूबसूरती बढ़ाते हैं, खासकर इसके अंदरूनी भाग। कहते हैं लाहौर में जो बादशाही मस्जिद है वो इस मस्जिद से मेल खाती है। कहा जाता है कि शाहजहां के बेटे औरंगज़ेब ने इसे अपनी नज़रबंदी में बनवाया था, इसीलिए बहुत हद तक इसकी जो वास्तुकला है वो लाहौर की बादशाही मस्जिद से मिलती है। जामा मस्जिद को करीब 5,000 मज़दूरों ने बनवाया था, और इसे बनाने में करीब 10,00,000 रुपए लगे थे, वो भी उस ज़माने में। कहते हैं मस्जिद में 3 द्वार हुआ करते थे। जो पूर्वी द्वार हुआ करता था वो रईसों और बहुत आवश्यक लोगों के लिए हुआ करता था, और जो पश्चिमी द्वार था वो आम लोगों के लिए हुआ करता था। दिल्ली के जामा मस्जिद में करीब 25,000 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। ये मस्जिद वैसे तो भारत में सबसे बड़ी मस्जिद नहीं है। कहा जाता है भोपाल की मस्जिद जो कि ताजुल मस्जिद है उसमें करीब 1,75,000 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। हमारे इस सफर का साथी बनने के लिए शुक्रिया।